अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं नेक डिज़ाइन बना रही हूँ इन इन बेलों की मदद से, सिंपल सा नेक डिज़ाइन बना रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे बहुत सारा सपोर्ट करें और मेरे फेसबुक और इंस्टा पर मुझे फॉलो करें और इस वीडियो को एंड तक देखिए, कोई भी चीज़ स्किप मत कीजिएगा। आइए आपको नेक डिज़ाइन बनाना बताते हैं। हमने गले की चौड़ाई ली है 3.5 इंच और नेक की लंबाई हमने ली है 5 इंच। अब हम इसको राउंड शेप में करेंगे, बॉक्स बना के इसके राउंड शेप में कर लेंगे इसको। इसके बाद अब हम इसका डिज़ाइन बनाने के लिए इसकी लेंथ लेंगे हम 12 इंच। 12 इंच पे हम रख के एक राउंड शेप में इसका एक लीफ स्टाइल में बना लेंगे। ये देखें, इस तरह से बना लेंगे लीफ स्टाइल में। जब हम इसको कट करेंगे तभी दोनों तरफ से एक लीफ बन जाएगी। इस तरह से हमने एक एक मार्जिन देके हमने इसके डबल लेयर कर लिए। अब इसको हम कट करेंगे। कट करने के बाद इसको हम कपड़े पे पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद हम इसको साइड से कट करेंगे, 1 इंच का कपड़ा छोड़ के हम इसको कट कर लेंगे। फिर हम छोटे छोटे नॉचेस लगाकर इसको सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद इसके हम सेंटर बनाएंगे प्लेस की मदद से। कमीज़ के नेक का भी सेंटर बनाएंगे और डिज़ाइन का भी सेंटर बनाकर हम दोनों को आपस में अटैच कर लेंगे। आप अपनी आसानी के लिए जिस तरह चाहे से पिनों की मदद से लगा सकते हैं या सिलाई की मदद से। मैं सिलाई की मदद से लगा रही हूँ। पहले सेंटर में एक सिलाई कर लूँगी सीधी। इसके बाद सेंटर में सिलाई करूँगी। इसके बाद नेक को फिर सिलाई की मदद से हम गले को अटैच कर लेंगे। फिर हम इसको कट कर लेंगे, 1-1 इंच के छोड़कर हम गले को कट करते हैं। कट करने के बाद छोटे छोटे नॉचेस लगाएंगे और फिर इसको पलट लेंगे गले को, जिसके कॉर्नर हम एहतियात के साथ कॉर्नर निकालेंगे किसी भी चीज़ की मदद से। फिर सेम प्रेस की मदद से सीधा कर लेंगे। अब हम इस पर लेस लगाएंगे, ऐसे मुड़ी वाली लेस लगाएंगे पहले एक इसके कॉर्नर पे। एहतियात के साथ कॉर्नर बनाते हुए हम इसकी लेस अटैच करेंगे। इसके बाद हम इसमें दूसरी वाली लेस भी अटैच करेंगे। एक के साथ दूसरे को मिलाते हुए एक ही स्लाइस से हम दोनों को अटैच कर देंगे। ये देखें, इस तरह से हम इसको अटैच करेंगे। इसके नीचे करते हुए हम इसको सिलाई लगाते जाएंगे। लेसेस लगाने के बाद अब इसमें हम कपड़ा लगाएंगे नीचे। इसकी ट्राउज़र की मैचिंग का मेरे पास एक कपड़ा था। अब इसकी हमने लंबाई छोड़ा है, आपको नेक के हिसाब से पत्ते के हिसाब से बनाई है। अब इसमें हम छोटे छोटे प्लेटें डालेंगे इस तरह से। इन प्लेटों पर हम कच्ची सिलाइयों से इन प्लेटों को हम बैठा देंगे ताकि हम इसको कपड़े में लगाने के बाद निकाल सकें इजी से। अब हम इसमें सारी दो तरफ कच्ची सिलाइयाँ लगाएंगे। तीनों तरफ सिलाई लगाने के बाद अब इसे हम कपड़े में अटैच करेंगे। हमने सिलाइयाँ लगा ली हैं, ये
अब हम इसे कपड़े पर पेस्ट करते हैं। एहतियात के साथ आप कपड़े के नीचे रख के इसको सेट करें, चाहें तो आप पिनों की मदद से कर लें, मैं ऐसे ही लगा रही हूँ, आप पिनों की मदद से भी सेट कर सकते हैं। अब हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं, ऐसे सिलाई लगाते हैं इसके ऊपर चारों तरफ। सिलाई लगाने के बाद इसके जो सेंटर है, कॉर्नर का जो सेंटर है, इनको हम आपस में मिला लेंगे और अच्छे से पक्का कर लेंगे। हमारा नेक डिज़ाइन तैयार है, ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। ये नेक डिज़ाइन आप किसी भी अपने ड्रेस में बना सकते हैं। अब ईद आने वाली है तो आप ईद पर भी इसे अपने ड्रेस में बनाकर लगा सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा मुझे।